बाह

कृष्णा हरे हा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Кришна, Кришна, Кришна. ललिता में सख राध्या ललिता में जय राधे श्याम गया जय जय प्रभु पा प्रभु पा प्रभु शिला प्रभु प्रभुपा

जय श्री श्री वृंदान मथुरा धाम की जय श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री द्वारका धाम की जय श्री श्री अयोध्या धाम की जय श्री श्री बद्रिका धाम की जय श्री श्री कृष्ण भक्ति पदायिनी श्री श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय श्री श्री गंगा मैया की जय श्री श्री यमुना मैया की जय श्रील प्रभुपाल ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की धर्म श्री श्री नाम संकीर्तन की जय जय श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय श्री श्री उपस्थित समस्त भक्तवृंद की शील प्रभुपालीमृत की जय टू असेंबल डिवोटीज़ हरे कृष्ण ऑल टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ज हरे कृष्णा ऑल जय हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं आप उपस्थित समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में प्रणाम में अर्पण करता हूँ मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी के कृपा और आशीर्वाद का जाचना करता हूँ क्योंकि लीलामुत तो बहुत सारे लोग जानते हैं पढ़ते हैं लेकिन समा और इधर ये मेरा पहला हिंदी क्लास है इंग्लिश में कई बार दे चुका हूँ शायद बोलने में थोड़ा ये हिंदी इतना प्रम्प्ट नहीं हूँ लेकिन वास्तविक सच बोला जाए तो आज का जो स्पीकर थे किसी कारणवश तो नहीं दे पा रहे हैं जैसा क्रिकेट मैच में जो ट्वेल्थ मैन रहते हैं जो लास्ट कोई अगर इंजुर्ड हो जाता है खेल नहीं पाता है तो उसको बुलाया जाता है तो इस प्रकार ऐसा ही समझिए अगर कोई दोस्त त्रुटी है आप क्षमा कर दीजिएगा और उसको संशोधन भी कीजिएगा जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हमारा मंदिर बहुत हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है मैं शायद पूरे इतने दिनों में इतना अच्छा डेकोरेशन कभी नहीं देखा था तो विष्णु नाम प्रभु जी बता रहे थे करीब दस लाख का फूल लगाया गया है कि नहीं तो ये बहुत अच्छे दिन है आज के और गुरु पूर्णिमा सनातन गोस्वामी का तिरोभाव और व्यासदेव के भी आविर्भाव के दिन है तो ये बहुत अच्छा दिन माना जाता है तो इसी दिन हम जो जगत गुरु हमारे संस्थापक आचार्य चलो प्रभुपाद के बारे में कुछ चर्चा करने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को प्रभुपाद से जो है हम अधिक निकटतर हो पाएंगे उनके जीवन और उनके जो शिक्षाएं और ये सारे एक ही है ऐसा गोस्वामी लोगों के थे तो प्रभुपाद जी के चरणों में मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मैं कुछ बोलूँगा थोड़ा बहुत पढ़ूंगा ही पढ़कर थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए प्रयास करूँगा जो प्रभुपाद जी से सुना है और सीखा है तो प्रभुपाद इससे प्रसन्न होंगे और हम जो प्रभुपाद के चरण के आश्रय लेते हैं प्रभुपाद पदाश्रय ये भी हमारे सफलीकृत हो पाएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये नष्ट प्राय सुभद्रयेसु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम स्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानान्जनस्य चक्षुरुन्मिळितं जेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं Sri भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगनारगुनथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगुपीककककन्तराधाकन्त नमस्तु ते तप्तकञ्चनगौरङ्गी Radhe, वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यम्ने गौरतसि नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीयद्वैतगदाधर्षिभासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मूकम कर दिवाचालम पंगुम लंग गिरी जतकुपात वंदे श्री गुरु श्री परमानंद श्री चैतन्य हरे कृष्णा तो आप लोग कुछ दिनों से श्री शिल प्रभुपाद की लीला मुद से हम लोग अभी सुनते आ रहे हैं सत्रवी अध्याय जिसका शीर्षक है बावरी पर तो आप लोग पिछले रविवार के दिन सर्व साक्षी प्रभु उनसे सुने थे किस प्रकार शिला प्रभुपाद इतने संघर्ष करके जब न्यूयॉर्क में पधारते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था तो प्रभुपाद के वहाँ से जब घर से चोरी हो जाता है तो प्रभुपाद फिर आ, और दूसरा जगह पर जाकर बाउरी में वहाँ पर अवस्थान करते हैं और उनके साथ कौन थे प्रभुपाद के साथ किसको याद है कौन थे प्रभुपाद के साथ जिसके आप पिछले क्लास में जो सुने रहेंगे तो तो वास्तविक ऐसा होता है कि प्रभुपाद जब घर से चोरी होते हैं तो उनके एक मित्र रहते हैं उनको मिलने आते हैं डेविड करके तो वो जब पता चलता है कि वो बोलते हैं कि न्यूयॉर्क में कोई बड़ी बात नहीं ये मामूली बात है चोरी होना ये तो डेली डेली का बात है ठीक है ना उसके लिए आप ये मत कीजिए तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल लग नहीं रहा है तो आप मेरे साथ आइए और मेरे साथ ही रुकिए तो प्रभुपाद जो है यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि चौरानबे बाबरी चौरानबे बाबरी के जो कमरा जहाँ प्रभुपाद रहते थे उसके बारे में वर्णन है कि कहते हैं कि अटारी चार सोपान की ऊंचाई पर थी और उसमें केवल एक दरवाज़ा था जो पीछे की ओर पश्चिमी सिरे पर था और अधिकतर भीतर से कसकर बंद रहता था यानी कि एक ही दरवाज़ा था और वो भी अंदर से सब बंद रहता था और वर्णन करते हैं देखिए सतस्वरूप दास महाराज जी कितने डिटेल में हम लोग पहले नोवेल पढ़ा करते थे जब हम कौन से आने से पहले बड़ा रोमांचक नोवेल है अलग अलग डिटेक्टिव्स ये सब पढ़ते थे लेकिन इतने डिटेल्स जैसा लग रहा है कि जे ऐसा कोई सुनेगा इसको तो उसको लगेगा मैंने एक मन में एक वीडियो पिक्चर चलता रहता है है कि नहीं आप लोग के भी होता रहेगा निश्चित रूप से कितना डिटेल में उन्होंने किया है कि हर एक एक चीज़ को हाँ, स्पष्ट रूप से बताया तो जैसे कि लग रहा था कि प्रभुपाद के पीछे पीछे घूम रहे थे सतस्वरूप दास नहीं कि वो ऐसा रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो इस प्रकार फिर आगे वर्णन आता है बाहर की और यह दरवाज़ा एक गैलरी में खुलता था जो केवल उस लाल रोशनी के से प्रकाशित थी जिसमें दरवाजे के ऊपर एग्जिट अर्थात बाहर लिखा था तो खाली वो दरवाजे के ऊपर क्या लिखा था एक लाइट जली थी जो रेड कलर का वो थे एग्जिट करके जैसे आप लोग देखते हैं हमारा मंदिर में या कोई जो आ, कोई बड़े हॉल में प्रोग्राम होती है ना एग्जिट करके लिखा जाता है तो अंधेरे में लोगों को दिखाई पड़े कि कहाँ से जाना है नहीं तो और कहीं पैर लग जाएगा किधर तो इसी प्रकार उस गैलरी से दहिनी और कुछ कदम जाने पर खुला क्षेत्र आ जाता है आ जाता था यदि कोई आप लोग इसमें डिस्प्ले नहीं है ठीक अब ठीक है आप सुनिए कोई स्पेलिंग अज्ञान अभागत अभागत कीर्तन या कक्षा व्याख्यान के समय यानी कि जो कहते हैं कि जब कीर्तन करते थे प्रभुपाद और जो भागवत क्लास देते थे इसका अर्थ यही है थोड़ा स्पष्ट नहीं है इसमें प्रिंटिंग का थोड़ा दिख नहीं रहा समय अट्टारी में प्रवेश करता था तो वह स्वामी जी को दरवाज़ा से लगभग तीस फुट की दूरी पर मंच पर बैठा दिखता था तो प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग क्लास देते थे भागवतम क्लास पहले कीर्तन करते एक्चुअली कीर्तन से ही बहुत सारे विदेश लोग प्रभावित हुए थे तो बाउरी जो आप लोग सुन चुके हैं ना बाउरी के कई बार आप लोग प्रभुपा डिसाइबल से सुने रहेंगे तो न्यूयॉर्क के सबसे जो है गिरा हुआ लोग सब तमोगुणी व्यक्ति जो नशे में रहते हैं है, हैगे नहीं चार नियम का कोई पालन नहीं करते तो वैसा है तो बड़ी हिप्पी बोलते हैं ना प्रभुपाद उनको बड़े बड़े धनी व्यक्ति लेकिन रोड साइड में ऐसे पड़े रहते हैं नशा में एल एस डी मरिजवाना इत्यादि तो इसके वो इस स्थान में ये पूरा तमोगुण से भरा हुआ है प्रभुपा जैसे सन्यासी वहाँ जाके रहते हैं कितने तपस्या प्रभुपा जी ने किए हैं हमारे लिए और ये विदेश विशेष करके विदेश के भक्तों के लिए जो अभी बने हैं भक्त लोगों को कैसा उद्धार किए पाश्चात्य देश तारी तो ये उसका प्रमाण है इस श्रृंखला में तो ऐसा कहते हैं कि प्रवेश करता है तो वो स्वामी जी के दरवाजे से लगभग तीस फुट दूरी पर मंच पर बैठा देखता था अन्य दिनों संध्या काल में पूरी अंधेरी में पूरी अट्टारी में अंधकार रहता यानी कि केवल वो वीकेंड में वो ये करते थे हर दिन करते थे लेकिन संध्या के समय पूरा अंधेरा रहता था घर केवल छोटे गैलरियों में एग्जिट अर्थात बाहर की लाल रोशनी चमकती रहती है और विभाजक की दूसरी और एक्चुअली दो एक डिवाइडर था वो रूम का एक साइड एक डोर था दूसरा एक डिवाइडर उसमें कनेक्टिंग रूम था एक कमरा में प्रभुपाद रहते थे एक ही रूम था लेकिन दो विभाजन था एक साइड में डेविड रहते थे उनका मित्र तो जहाँ प्रभुपाद कार्यरत होते थे हल्का प्रकाश आता दिखाई देता था तो प्रभुपाद वहाँ पे सारे ग्रंथ का जैसा सुबह जल्दी उठ जाते थे सिर्फ दो घंटा ढाई घंटा सोते थे तो ये तो डेविड हुआ सोते रहते थे क्योंकि प्रभुपाद जल्दी उठकर एक तो लेट नाइट जागते थे फिर दो घंटा रेस्ट लेते थे फिर उठकर अपना ट्रांसलेशन शुरू कर देते तो प्रभुपाद बाबरी में धीमे प्रकाश में जीवन जापन कर रहे थे जबकि सौकड़ों लावारिस नगर की उस ब्लॉक में सैकड़ों बल्बों के खुले प्रकाश में पड़ा रहते थे यानी कि जो देखिए प्रऊपा तो इतना छोटा सा बल्ब था वह तो डीम लाइट जो बोलते हैं ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता लेकिन दूसरी तरफ जो बाहर जो हिपीज लोग पड़े रहते थे वो स्ट्रीट लाइट रहते हैं ना स्ट्रीट लाइट एकदम उजाला प्रकाश करता है जैसा मरकुरी आजकल हालोजेन आ गया सोडियम भेपर तो ये सब बहुत उजाला होता था लेकिन इनका कार्य क्या था तमोगुण में ऐसा नशे में पड़े रहते थे तो इसका वर्णन यहाँ आता है सत्सवरूप दास गोस्वामी बताते हैं उनकी निश्चित आय उन लावारिस की आय से अधिक नहीं थी किन की प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी का क्या कमाई था प्रभुपाद जी कुछ पुस्तक लेकर गए थे उसी को बेचते जो मिलता था उसी से ही घर भड़ा देकर रहते थे लेकिन ये जो पढ़े रहते थे वो तो करर अरब खरबपति का बेटे थे या बेटियाँ थे तो उनके पास धन का कोई कमी नहीं था फिर बोलते हैं का अधिक थी न उनके लिए निश्चित आवास की कोई सुरक्षित व्यवस्था थी मैंने प्रभुपात के लिए कुछ रहने के लिए कोई ये नहीं था तो भी उनकी चेतना भिन्न थी ये मे मेन डिफरेंस है चेतना का प्रभुपात यहाँ पर देखते हैं प्रभुपात जैसे साधु कहीं पर भी जाते हैं चाहे सत्युगुण हो रजगुण कोई भी स्थान को प्रभुपात वृंदावन बना देते थे है कि नहीं जैसा एक साधु का जो शुद्ध वैष्णव का चरण जहाँ पड़ता है वहीं वृंदावन है ठीक है न चैतन चरता वर्णन आता है तो इस प्रकार प्रभुपाद जहाँ रहते थे उनके संगति से जो भी उनसे मिलने आता था यहाँ तक स्थान भी पवित्र हो जाता था तो इसका वर्णन आगे आएगा तो आप लोग सुनिए तो ये चेतना अर्थात 24 घंटा प्रभुपाद कृष्ण के चेतना में थे उनका एकमात्र लक्ष्य था केस ये न्यूयॉर्क सिटी में एक मंदिर बनाऊंगा और जो मेरे गुरु के आदेश है मैं एक संस्था यहाँ पर स्थापन करूँगा जो सारे विदेशी को गाइड करेगा किस प्रकार ये जो है ये रजो और तमोगुण से उठ कर ये सत्गुण में आए और इन कृष्ण चेतना को मैं उनको प्रदान करूँगा तो एकमात्र उद्देश्य प्रभुपाद का यही था तो इसी चेतना में चिंतन तो यही थे लेकिन बाह्य का कोई प्रभाव बाहर का कोई प्रभाव उनसे नहीं पड़ता था प्रभुपाद के ऊपर तो ये है जो है शुद्ध भक्त का एक लक्षण है वो एक्सटर्नल ये से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं ये एक धीर व्यक्ति बोलते हैं सोबर वे श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और उस पर लिखे गए भक्तिविन भक्ति, भक्ति वेदांत तात्पर्य द्वारा संसार के सर्वाधिक आ, स, आ, संबोधित हाँ स, संसार के संबोधित कर रहे थे मेनली क्या है ना प्रभुपाद जी अपना ट्रंक में क्या लेकर गए थे चैतन्य चेतन सेठ और भागवतों का जहाँ तक लिखे थे प्रभुपाद उतना ही था उनके पास है कि नहीं तो उससे प्रभुपाद क्लास में क्या करेंगे उनको तो लोगों को कुछ फिलोसफी नहीं समझ में आता था एक तो कीर्तन प्रसाद के दौरान आकृष्ट करते थे हैं लेकिन कभी कभी फिर उसके जब जो कोई व्यक्ति समझदार रहता था उसको भी जो जिज्ञास करता था प्रभुपात से कुछ सुनना चाहता था तो उसको प्रभुपात अच्छे से फिलोसफी समझाते थे लेकिन भागवत का जो तात्पर्य यही जो है इतने शक्ति है भला कोई उसको समझे या ना समझे फिर भी उसका कार्य वो करता है क्योंकि यह दिव्य है ये तीनों गुण से परे है भागवत का तात्पर्य और ये जैसा प्रभुपाद बोलते हैं ये तात्पर्य मैंने नहीं लिखा है स्वयं कृष्ण ने लिखा है मैं उसको खाली जो अंदर से मुझे कृष्ण डिगट करते हैं मैं उसको लिखता जाता हूँ तो इस प्रकार वे रिवर साइड डाइव की चौदह ही मंजिल पर किसी फ्लैट में रह रहे हो अथवा बाबरी की किसी अट्टारी के एक कोने में उनका कर्तव्य था समस्त मानव की सर्व सर्वप्रथम आवश्यकता के रूप में कृष्ण चेतना को संस्थापित करना देख रहे हैं ना तो प्रभुपाद कितना जगह चेंज किए ऐसे वहाँ वहां से वहां लेकिन उद्देश्य को नहीं भूले है, तो है कि नहीं तो यहाँ पर यही कहते हैं कि कृष्ण चेतना का स्थापन करना एकमात्र उनका उद्देश्य था वे अपने अनुवाद कार्य में लगे रहे और न्यूयॉर्क में कृष्ण मंदिर बनाने के स्वप्न उन, उनके मन में निरंतर बना रहा स्वप्न मतलब प्रभुपाद जी ने विश्वास नहीं होता पहले एक साल तो बहुत स्ट्रगल किए प्रभुपाद तो रोज आते थे मैंने आकर ये सिंधिया स्टीम का जो ये थे पांड्या जी तो उनसे मिलते थे बोलते आपका शिप कब जाएगा भारत तो मुझे कोई अभी तक सफलता नहीं मिले तो वो लोग भी आश्चर्य थे स्वामी जी कितना स्ट्रगल किए प्रभुपाद इतना धैर्य धारण किए तो हम लोग भी कभी कभी प्रचार में जाते हैं तो शुरू में सफलता मिलना ये हमारा क्या शुद्धता है प्रभुपाद की तुलना में हम क्या है? है कि नहीं तो हमें भी ये शिक्षा करना चाहिए तो ये धर्य हमको प्रभुपाद से जो हमको माने उनको प्रार्थना करना पड़ेगा जो हम गाते हैं वही वैष्णव ठाकुर दया रगर से करुणा करी दिए पद छय सदो या हमारा तुम्हारा चरणधरी छय बेगादमी छय दश सदी छय गुण देहदा से तो इसमें आ जाता है छब्बीस जो चीज़ है उसमें सब कुछ आता है है कि नहीं क्या त्याग करना चाहिए क्या हमारे लिए भक्ति के लिए अनुकूल है और क्या सत्संग जो है हैं, तो क्या हमारा भक्तों का प्रेम बढ़ाता है तो ये सारे चीज़ हम रोज़ हम गाना चाहिए प्रभुपद के चरणों में तो इस प्रकार कहते हैं कि हम भी कभी निराश नहीं होना चाहिए है कि नहीं हम प्रचार में खास करके प्यूरिटी इज द फोर्स आजकल कली का प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं लोग हमारा प्रवचन सुनने के लिए कितना लोग समझते हैं हम भी जाता हूँ कभी कभी यूनिवर्सिटी में संस्कृति यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉलेज ये में स्कूल में लेकिन लोग बहुत मैंने क्लास में या तो सो जाते हैं या कहीं लोग आपस में बात करने लगते हैं या तो चले जाते हैं क्लास छोड़कर और एक क्लास देने के बाद दूसरा क्लास में सब एब्सेंट तीन चार लोग मिलेंगे आपको और उनका टीचर भी इतना परेशान करते हैं क्यों क्लास दे रहे हो क्यों ऐसा ये कर रहे हो हैं तो उस बिजनेस करने विभिन्न प्रकार के समस्याएँ आजकल देखेंगे इतने ये तो ये प्रभूपा जी से हमें सीखना है कि ये होप हमें नहीं छोड़ना है कभी तो क्योंकि उनके चेतना कृष्ण के सर्वभौम उद्देश्य को साकार बनाने में लीन थी इसलिए अपने आवास के लिए उन्हें किसी परिसर विशेष की आवश्यकता नहीं थी मैंने वो कहीं पर भी रहने के लिए तैयार है साधु कहीं पर भी रह सकता है नीचे जमीन पर सो जाते थे है कि नहीं तो इस प्रकार हमें भी सोचना चाहिए कई बार हम जाते हैं प्रीचिंग में या कहीं प्रचार में या मंदिर में रहते हमें डिमांड होती है कि ये चाहिए वो चाहिए है कि नहीं पहले ज़माने में हमारे जो सीनियर सन्यासीज है जैसा परम पूज्य वैष्णव स्वामी महाराज वो हमेशा यही बोलते थे आजकल भक्त का स्थिति ऐसा है तो अगर यहाँ से ए और ये सब कूलर हटाया दिया जाए खाली लाइट और पंखा बिजली और पंखा से अगर हो, तो निश्चित रूप से भक्तों का सीरियसनेस बढ़ेगा तो ये सुनकर हमें भी लगता है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिना गीजर बिना कूलर के <laughs> तो इस प्रकार तो प्रभुपात की स्थिति हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं क्या फैसिलिटी बहुत सारे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कभी कभी वृंदावन मंदिर में इतना सारी फैसिलिटी है चलो यहाँ ही रहेंगे यहाँ ही बाज याद आता है मन में तो सुविधावादी है हम लोग तो लेकिन यहाँ पर प्रभुपात क्या कहते हैं वो किसी भी चीज़ का उनको मन में ये नहीं था कैसा रहे कहाँ चीज़ मैंने अवेलेबल है या नहीं है आवास का तात्पर्य उनके लिए ईंट और लकड़ी से बने घर में रहना नहीं वरन प्रत्येक परिस्थिति में ये ये इम्पोर्टेंट है प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण की शरण में रहना था जो कृष्ण का मर्जी कृष्ण जैसा देंगे जो खाने के लिए मिला वो भी कृष्ण की इच्छा जो रहने के लिए मिला वो भी कृष्ण की इच्छा है कि नहीं तो ये प्रभुपाद की मूड था तो बहुत सारे लोग इसलिए लीलामत को ना हम बहुत मुझे याद है मैं जब भी शुरू में भक्ति ज्वाइन हुआ था हैदराबाद में तो ये लीलामत को रोज़ पढ़ाया करते थे वो लोग क्योंकि तो ये बेसिक है फाउंडेशन तो ये इस ये अगर जैसा प्रभुपाद के शरण में हम प्रभुपाद को समझ गए कितना स्ट्रगल किए एक एक मंदिर बनाने के लिए तो हमें भी उससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगा है कि नहीं और प्रभुपात से बहुत सीखाएँ हम उनको और अच्छे से समझ पाएंगे जो नया भक्त के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लीला मृता अभी भी मैं जाता हूँ कोई लोग और नहीं ये करते तुमको छोटा किताब देते प्रभुपात का जो इसका जो सात वॉल्यूम है इंग्लिश का लेकिन उसका छोटा में एक आता है शॉर्ट बुक जिसमें सारे लीलाएँ हैं प्रभुपात तो एक रीडिंग करते तो उनको भी लगता है कि ये कोई है नहीं तो फोटो से पता नहीं चलता कि प्रभुपात कितना महान है कितना स्ट्रगल किए है कि नहीं तो इस प्रकार तो आगे बोलते हैं कि जैसा कि प्रभुपाद ने आ, अप टाउन अपटाउन में अपने मित्रों से कहा था हर स्थान मेरा घर है कौन बोल सकते हैं प्रभुपाद बोल सकते हैं जबकि कृष्ण के शरण के बिना मेरे लिए सारा संसार वीरान है तो जैसे कि कोई प्रभुपाद जैसा महान सन्यासी तो इतने प्रभावशाली थे उनको कोई भी देखता था अपना घर में गेस्ट करके बुलाता था है कि नहीं जस्ट उनको देख कर इतना परिवर्तन हो जाता लोगों को इतना प्रभाव करते थे प्रभावित करते तो वो बोल सकते हैं क्योंकि वो कृष्ण से शरणागत थे पूर्णतः तो इसलिए बोलते हैं जो कृष्ण का वो भी मेरा है तो मैं कहीं पर जाऊँ तो मेरे लिए वो घर है तो ये यहाँ पर प्रभुपाद उनको मित्र जो थे जो पहले रहते थे अपटाउन में डाउन टाउन अप दो ये थे तो इस प्रकार तो वे प्रायः इस शास्त्रीय कथन का निर्देश करते थे कि लोग तीन प्रकार के गुणों में रहते हैं अब तो क्या क्या है सत्युगुण रजोगुण और तमोगुण तो रूपा जी ने देखा ये सारे लोग तमोगुण में फिर बोलते हैं जो अरण्य जंगल में जो रहते हैं ये कौन है सत्वगुणी आजकल तो जंगल नहीं रहा वृंदावन भी पूरा टाउन बन गया इतना ट्रैफिक जाम सारे बिल्डिंग्स आ गए तो अरण्य भी आजकल मिलना मुश्किल है और नगर जो है शहर यह है रजोगुण और तमोगुण का क्या स्थान है और मदिरालय वैश्यालय अथवा बौरी जैसा भ्रष्ट स्थानों के जीवन तमोगुणी है तो ये इसे क्या बताया प्रभुपाद तमोगुण स्थान को भी शुद्ध सत्व बना दे है नाम के द्वारा इतना प्रभाव से शुद्ध भक्त का जो मुँह से निक, जो वाणी का प्रभाव भी बहुत है हमारा उतना नहीं रहेगा हम प्रभुपात से पहले भी कितना लोग गए सब खुद उसका शिकार हो गए कोई पैसा के पीछे ये हो गया कोई ड्रग एडिक्शन हो गया बहुत प्रकार का भी ये हुआ लेकिन प्रभुपाद कैसा उनको ये करते थे है? तो इसे पता चलता है उनके कितने शक्ति था एक साधु के तो किंतु विष्णु के मंदिर में ये हमारे लिए जैसा जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं आश्रम में मैं रहना आध्यात्मिक जगत है ये जो है बैकुंठ में रहना है तो मंदिर में रहने के लिए हमको बहुत सतर्क होना पड़ेगा कि मंदिर में वैकुंठ का एक्चुअल अधिकारी है क्या हम लोग ये सोचना पड़ेगा हम प्रभुपा जी ने तो बनाया है लेकिन ये वास्तविक ऐसा होता है जो नियम को फॉलो नहीं करेगा धीरे 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 उसका मन जो है संसार में चला जाएगा वो अपने आप छोड़ के चला जाएगा उसको निकालने का फिर भी हमारे हमारे महाराज जी इतना सारे सिस्टम बनाए साधना चार्ट करो ये करो मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए खुद आके देखते हैं कौन आया नहीं आया रूम रूम जाकर नॉक करके उठाते हैं तो ये हमारा साधन मार्ग को सुधारने के लिए तो यही है मंदिर में जो रहते हैं ये है वैकुंठ में रहना है जो तीनों लोगों के गुण से परे है परे है लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया जहाँ जहाँ गए उसको भी वैकुंठ बना दिए है कि नहीं कितना सारे 108 मंदिर जहाँ जहाँ बनाए विदेश में तो ये सारे वैकुंठ है कि नहीं प्रभुपाद बोलते ईच ऑफ माई सेंटर इज ए पोटेंशियली मैंने इट इज वृंदावन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन क्योंकि यहाँ पर क्या होती है साधु संघ होता है भागवत कथा होती है जपा और कथा कीर्तन होती है और हरिनाम कीर्तन संकीर्तन होता है और डी टी वर्शिप होता है और भक्तों को तरह तरह का सेवाएं कहते हैं ए बी सी डी वो वहीं फॉर्मूला है तो जहाँ पर ये होते हैं वहीं वृंदावन गीता में भी भागवत में कई जगह पर लिखते हैं तो आपका घर को वृंदावन बनाए ऐसा नहीं कि सब लोग आकर वृंदावन में रहने लगे ये संभव नहीं है है कि नहीं तो वास्तविक हम देखते हैं जो वृंदावन में रहने वाले से जो बाहर रहते हैं उनका तीव्रता ज़्यादा है <laughs> देखा तो हमारे थोड़ा अहंकार आ जाते हैं हालांकि धाम का प्रभाव है धाम का ऐसा नहीं कि धाम का मिट्टी जो है यहाँ के जो जो फैसिलिटीज़ है माने भवन का लीला स्थली है तरह तरह का साधुओं का दर्शन होती है रजू भी इतना शक्तिशाली ये तो है ही लेकिन फिर भी कई बार ऐसा अपराध के कारण हम उससे थोड़ा डिबेट हो जाते हैं लेकिन इसलिए बाहर में ट्रेनिंग लेकर ऐसा कहते कि पहले मायापुर जगन्नाथपुरी मायापुर होके ही आना है तो कई लोग डायरेक्ट आ जाते तो उनके लिए थोड़ा तो लेकिन फिर भी कोई साधु और अपने गुरु के आदेश पर उनके आश्रय पर तो हम यहाँ वृंदावन में ब्रजवास कर सकते हैं। वृंदावन एक चेतना होती है ऐसा नहीं कि खाली वृंदावन में कंस भी रहता था वृंदावन में सुअर भी रहते हैं बंदर भी रहते हैं कुत्ते भी तो हमें अगर उनकी तरह रहना है तो हम कहीं जन्म भी रह सकते हैं यहाँ लेकिन हम हमारा क्या गति होगा फिर जाकर कहीं पकड़ के लेकर जाएगा और कहीं चले जाएंगे तो इसी प्रकार वृंदावन जो निरंतर कृष्ण के कैसा प्रसन्न करना है हाउ टू प्लीज कृष्ण ये है वृंदावन का चेतना तो हमारा चेतना को सुधारना है तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया प्रभुपाद जाकर उनको वो चेतना को चेंज करने के लिए प्रयास किया तुम जहाँ भी हो तुम्हारा कॉन्शियसनेस अगर वृंदावन है दैट दैट मीन्स यू आर इन वृंदावन और उसके लिए क्या हो सकता है परम जो कमाल कृष्ण गोस्वामी ये बोला करते थे कि अगर बुंदावन में कोई रहना चाहता है वास्तविक बुंदा ब्रजवासी कहलाना चाहते हैं उसको क्या करना पड़ेगा प्रचार करना पड़ेगा है कि नहीं तो बिना प्रचार के तो प्रचार में बहुत सारे ये सारे जो प्रभुपात के जो समस्या हैं जो फेस करें इसलिए प्रभुपात ये लीला लीला मृत है लीला को रचना किए ताकि हमें पता चले कि प्रचार में क्या क्या असुविधा होती है तो वी विल नॉट टेक इट लाइटली वी हैव टू गो आउट ऑफ हर कम्फर्ट जोन है कि नहीं तो और बाबरी की वह अट्टारे भी जहाँ प्रभुपाद अपनी बैठक करते थे और संकीर्तन करते थे दिव्य लोक थी देखिए बाउरी को भी उन्होंने दिव्य लोक बना दिया यानी कि बौकुंठ बना दिया ये डायरेक्ट सत मैंने सतसरूप जी बता रहे हैं जब वे विभाजक के पीछे कोने में भागवतम के खुले पत्तों के पत्तों के सामने अपना कार्य करते करते होते थे तो वह कक्ष भी उतना ही सात्विक था तो जहाँ भागवत ग्रंथ रहता है जहाँ अध्ययन होती है चर्चा होती है वो भी शुद्ध सत्व पर हो जाता है वो स्थान है कि नहीं तो ये भागवतम की महानता है जितना वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के पीछे का कमरा आप लोग गए रहेंगे प्रभुपाद का जो पीछे कमरा है मंदिर के तो वहाँ पर उन्होंने भागवतम रचना शुरू की थी है कि नहीं तो वो जितना पवित्र है जहाँ पर प्रभुपा जी विदेश में जाकर बाउरी जैसा तमोगुण जगह पर वहाँ पर जब वो रचना करने लगे भागवत का ट्रांसलेशन वो भी उतना ही पवित्र हो गया अर्थात वो भी दामोदर मंदिर से भी कुछ अलग नहीं यानी कि वो उन्होंने ट्रांसफर्म कर दिया प्रभुपाद कहा करते थे अगर मुझे ऐसा आप हैदराबाद मंदिर के बारे में जिनको थोड़ा पता रहेगा आबिट्स और सिकंदरा दो मंदिर हैं वहाँ पे तो मैं जब भी दो में तब जब गया तो प्रभुपाद जी का एक छोटा जगह था उस समय अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया तो प्रभुपाद जी को दो जगह दो या तीन जगह मिल रहे थे हैदराबाद में तो प्रभुपाद ने कौन सा जगह को चुना पता है आपको जहाँ पर वो जो ये थे निजाम निजाम राजा था वो क्या करता था जो क्रिमिनल्स रहते थे मुस्लिम्स को तो बहुत ये करते थे पाप कम करते थे ये करते थे मर्डर करते थे इत्यादि भ्रष्टाचार तो उसको जीवंत अवस्था में एक बड़ा कुआं था बिग वेल वो कुआं के अंदर ऐसे ही ऊपर से नीचे छोड़ देता वो नीचे गिरकर उधर कुछ था नहीं छटपटा कर मर जाते थे वहाँ तो वो के ऊपर एक ढक्कन ऐसा रखा था, था अभी उसी स्थान पर राधा मदन मोहन जी खड़े हैं गौर नीते राधा मदन मोहन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मोहन तो उसी जगह का प्रभुपात क्यों चुना प्रभुपात को और, और भी जगह मिल रहा था तो ये प्रमाणिक प्रभात करते हैं जहाँ वैष्णव वो किसी स्मशान को भी मैंने वैकुंठ बना सकते हैं है कि नहीं मैंने कहते हैं कि रोपात किसी टॉयलेट को भी डीटी रूम बना सकते हैं इतना उनके ये था तो यही बात यहाँ कहे जा रही है कि तो स्वामी जी के बाबरी की अट्टारी में रहने का समाचार सारे पैराडाइज भोजनालय में अधिकांश अधिकतर मौखिक मौखिक मतलब माउथ टू माउथ जब प्रभुपाद ऐसे इतना बड़े साधु आए इंडिया से भारत से और ऐसा लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं अपने ऊपर तो लोग आपस में बात करने लगे भोजन में जब होटल में जाते थे तो खाते खाते ये बातें चारों तरफ फैल गया तो फैल जाने से लोग क्या किए तो संध्या समय संध्या के समय प्रभुपाद कीर्तन करते थे हर रोज तो उसी समय उन और लोग संध्या समय उनके साथ कीर्तन करने के लिए आने लगे प्रभुपाद के साथ तो बावरी में संगीत में कीर्तन विशेष रूप में लोकप्रिय हुआ म्यूजिक बजाते थे सारे विदेश में म्यूजिशियंस का कोई अभाव नहीं है तरह तरह का म्यूजिक्स बजाते थे उससे जल्दी रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भी आकृष्ट हो जाते हैं जैसा टमकिन स्क्वायर पैंग बजा रहे थे वो है कि नहीं तो जिन्हें दर्शन शास्त्री का अपेक्षा शास्त्र का अपेक्षा दिव्य संगीत में अधिकतर रुचि थी फिलोसफी भी थोड़ा जानते थे लेकिन फिलोसफी उतना समझ में नहीं आता था, था। हम लोग भी नहीं आ रहे हैं इंडिया में तो उनका तो रजतम गुण तो मुश्किल है उसके कम से कम सप्तगुण में आना पड़ेगा तो इसलिए फिलोसफी से ज़्यादा उनको कीर्तन में ज़्यादा रुचि था तो प्रभुपाद उसको ज़्यादा कीर्तन कराते थे उनसे हैं तो प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभुपाद भागवतम पर कक्षा लगाते जिन, जिन में उपस्थित होने वाले वे डेविड एलन रॉबर्ट नेल्सन और एक अन्य लड़का होते मैंने ये जो प्रभुपाद क्लास में तीन लोग जरूर आते थे डेविड और रॉबर्ट डेविड एलन और रॉबर्ट नेल्सन और एक दूसरा का नाम नहीं दिए सतस्वरूप दास ने तो वो भी आते थे तो प्रभुपाद लख्य रखे ये तीनों सिंसियर है और कभी कभी वे पकाने के काम में रुचि रखने वाले के पका पाक विद्या सीखाते मैंने कुकिंग जो कुकिंग के लिए कुछ कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते थे तो प्रभुपाद कुकिंग सिखाते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसाद बना कर जो देगा तो लोगों चेतना परिवर्तन हो जाएगा तो कुकिंग क्लास भी प्रभुपाद दिखाते थे बताते थे उधर लेते थे तो इस प्रकार किसी भी जिज्ञासु आगंतुक या अपने नया कक्ष सहवासी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए वे सामान्यतः सुलभ रहते हैं माने कि अगर कोई ऐसा कोई जिज्ञासु है जो कि फिलोसफी कुछ स्टूडेंट्स रहते थे जो कि थियोलॉजी में स्टडी करते थे अलग अलग जैसा बौद्धिज्म जैनिज्म अलग अलग धर्म के बारे में पढ़ाई करते थे तो वो लोग कभी-कभी या तो उन्हें जो रिलीजनिस्ट थे जो मैंने आस्तिक थे माने भगवान को थोड़ा मानते थे तो वो आकर पूछते थे प्रभुपाद अच्छे से उनको बिठा कर समझाते थे और उनके रूममेट जो थे डेविड डेविड एलन उनको भी ये भी कभी कभी देखिए साधु का प्रभाव उनके साथ रहते रहते भी ये तमोगुणी व्यक्ति भी धीरे धीरे उसमें मन में कृष्ण का चिंतन आने लगा यद्यपि उस विस्तृत अट्टारी में प्रभुपाद और डेविड के रहने के अलग अलग स्थान निश्चित थे किंतु शीघ्र ही सारी अट्टारी का उपयोग प्रभुपाद के उपदेश कार्यों में होने लगा यानी कि देखिए दोनों रहते थे तो लेकिन प्रभुपाद का इतना इन्फ्लुएंस था कि पूरे जगह जो है प्रभुपाद के चीज़ों से भर गया मैंने सब आध्यात्मिक चीज़ों पर तो उनका उतना प्रभाव नहीं रहा प्रभुपाद और डेविड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहने लगे मैंने अच्छा मित्रता हुआ और पहले पहले प्रभुपाद को डेविड उच्चाकांक्षी शिष्य लगा मैंने गुरु पहचान सकता है ये पोटेंशियल शिष्य बनने वाला है गुरु के साथ जो हम जैसा बहुत सारे शिष्य शेयर करते हैं कि जब गुरु से मुलाकात होती है सेवा करने लगते गुरु देखकर पहचान लगे ये भविष्य में इसका मेरा योग्य शिष्य बन सकता है गुरु सब पता चल जाता है तो प्रभुपा जी ने क्या नोटिस किया कि ये भी एक पोटेंशियल बहुत इनके ये है प्रचारक बन सकते हैं अच्छा शिष्य बन सकते तो अप्रैल सत्ताईस का ये आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने भारत में अपने मित्रों को डेविड एलन के साथ अपने संबंध के बारे में लिखा कौन प्रोपात डेविड एलन के बारे में भारत का जो सब ये थे प्रोपात का अनुजाई उनको लिखते हैं बह मैने डेविडी सेवेंटी, सेवेंटी आ, स, हाँ सेवेंटी सेकेंड स्ट्रीट में अन्य लोगों के साथ मेरी कक्षा में आया करता था कौन डेविड जब जब प्रोपात सेवेंटी सेकेंड स्ट्रीट में रहते थे तो डेविड उनके पास आया करते थे और जब मेरे कमरे में चोरी हो गई तो उन्होंने मुझे अपने आवास में बुला लिया जो यहाँ जो रहते हैं नाइन्टी हाँ, फोर ये में बावरी में तो उस प्रकार मैं उसके उसके साथ हूँ और उससे प्रशिक्षित कर रहा हूँ प्रभुपाद उनको फिलोसफी पढ़ा रहे हैं कुकिंग पढ़ा रहे हैं सब सिखा रहे हैं प्रशिक्षित मन ट्रेनिंग दे रहे हैं उस उससे भविष्य में अच्छी आशाएं हैं मैंने प्रभुपाद प्रेरित कर भविष्य में अच्छा भक्त बनेगा क्योंकि वह सभी बुरी आदतें छोड़ चुका है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है देखिए प्रभुपाद के साथ रहकर जो हो इतने सारे बुरी आदत थे सारे चारों नियम को कुछ था नहीं प्रभुपात बताएंगे आगे इस देश में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध धूम्रपान नशाखोरी मांस भक्षण सामान्य बातें हैं उनके अतिरिक्त अन्य बुरी आदतें हैं मल त्याग करने के बाद केवल कागज से कागज़ का इस्तेमाल करना और स्नान ना करना आदि तो यहाँ के तो ठंडा देश है उधर का लोग ऐसा ही है तो ये प्रभुपात बोलते ये सारे आदत को ऑलमोस्ट आगे बताते हैं किंतु मेरा अनुरोध मानकर प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया वह फोर्स नहीं किया तुम इसको छोड़ दो ये तमोगुण के प्रभाव है हैं। तो इसलिए उसने 90 प्रतिशत बुरी आदत छोड़ दी मैंने पूरा नहीं गया तो ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट बुरी आदत छोड़ दी खाली प्रभुपात के रिक्वेस्ट में और वह महामंत्र का जप नियमित रूप से कर रहा है इसलिए मैं उसे अवसर दे रहा हूँ और मैं समझा समझता हूँ कि उसका सुधार हो रहा है मैंने कल कुछ प्रसाद वितरण के योजना बनाई है और वो कुछ चीज़ खरीदने बाज़ार गया है तो ये प्रोपाद उनको एंगेज करते थे कुछ सामान लेकर आओ तो डायरेक्टली अगर जो जैसे हम गुरु के पास जो रहकर जो प्रशिक्षण होता है सबसे अच्छा माना जाता है मंदिर में रहना भी इट इज़ गुड बट गुरु के पास जो रहेगा वो पूरा गुरु हर चीज़ को ध्यान रखेंगे तो मेरा भी पर्सनल अनुभूति है तो जो जो असिस्टेंट्स रहते हैं एक एक छोटे छोटे चीज़ को एक एक चीज़ के लिए दस दस सौ सौ बार गालियाँ मिलती है तो ज़िंदगी में दोबारा वो गलती ना हो है कि नहीं तो ये ऐसा सदगुरु जो है ये तो शिष्य को हमको लगता है कि रोने के लिए होता है कई शिष्य छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन जो वास्तविक जो सहनशील होना पड़ेगा तभी जाकर हम सुधरेंगे नहीं तो कोई संभावना नहीं अगर आप लोगों को किसी को चांस मिले अपने गुरु दीक्षा गुरु या शिक्षा जो है उनको सेवा के लिए पर्सनल जो है बापू सेवा उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और अपराध भी उतना ही होता है जितना हम इंटीमेट सेवा करें उतना अपराध होगा तो फिर हमारा भौतिक इच्छाएँ बढ़ेगी तो इसके लिए हमको फिर डांट मिलेगी तो ऐसा करते 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 तो यही पुपाद यहाँ बोलते हैं फिर डेविड जब पहले बाबरी आया तब वह एक साफ़ सुथरा कॉलेज का विद्यार्थी लगता था वह माने साफ़ सुथरा मैंने एकदम आता है बह इक्कीस वर्ष का था छः फुट लंबा नीली आँखों नीलू आँखों वाला सुंदर और मेधावी प्रतीत होने वाला मैंने छः फुट लंबा एकदम बढ़िया स्टूडेंट था वो ऐसा दिख रहा था कि क्योंकि मैं उसके अधिकतर नए मित्र जो नया नया फ्रेंड्स जो है अवस्था में उससे माने बाकी लोग जो थे उसे बड़े थे कौन से डेविड से और उससे बच्चा समझते थे मतलब ये बच्चा है ये क्या जानता है डेविड के परिवार के लोग ईस्ट लानसिंग ईस्ट लानसिंग ईस्ट लानसिंग करके एक जगह है तो मिशन में रहते थे और उसकी माँ ने किसी किराया से उस उसकी अटारी एक सौ डॉलर प्रति मास महीना में एक सौ डॉलर हैं किराया पर ले, ए, ले रखी थी यद्यपि डेविड को बहुत अनुभव नहीं था किंतु उसने पढ़ रखा था कि ये ड्रग्स के बारे में बताते हैं प्रभुपाद कि डेविड ने पढ़ रखा था कि मनोगति मो, मेंटल जो साइकोजेनिक साइकोडेलिक इफेक्ट रहता है ना जो ड्रग्स खाने से जो माइंड में जो चेंजेस आते हैं संबंधी नशेली दवाओं के प्रयोग से मानसिक विस्तार जो माइंड में ऐसा थॉट्स आने लगते हैं जो जैसे एक्सपेंसन ऑफ द मेंटल स्टेटस जैसे हम मेडिकल में हम ये करते हैं उसको विस्तार संभव था और वह बड़ी तेज़ी के साथ एलएसडी के खतरनाक दुनिया की ओर बढ़ रहा था कौन डेविड स्वामी जी से उसके भेंट एक क्लांतिकारी परिवर्तन के काल में हुई और इस भेंट ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया तो प्रभुपात से जहाँ एल में वो चला गया था ऑलमोस्ट है उसमें इतना प्रभावित हो गया लेकिन जैसे प्रभुपाद के संगति प्राप्त हुआ उससे आकर वो भक्ति लाइन में आ गए फिर डेविड क्या लिखते हैं डेविड बताते हैं स्वामी जी से मेरा संबंध वास्तव में अच्छा था किंतु अनेक किंतु उनके इतना निकट होने से मुझ में जो प्रभुज ऊर्जा माने एनर्जी उसको एक साधु का संग रहने से भी उनका निकटतम बात वार्तालाप होता था सेवा करने का ये होता था तो ऊर्जा उत्पन्न हुई माने उनको एक एनर्जी पैदा हुआ उनका हृदय में उससे मैं अभिभूत हो गया उनके संबंध उनके संबंध ने मेरी चेतना का तीव्र गति से उत्प्रेरित किया मैंने उनको चेतना को प्रभावित किया करके डेविड बता रहे हैं प्रभुपाद के बारे में रात में स्वप्नों में ड्रीम में भी मुझे कृष्ण चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देती देखिए वो जो ड्रग्स के मैंने क्या आता है हलुसिनेशन में सब दुनिया के गंदगी चीज़ आता है, है? ख़राब चीज़ आता है सब लेकिन प्रभुपाद के संगति कारण उनका चेतना में इतना परिवर्तन हुआ और सपने में कृष्ण को दर्शन आजकल हम भी नहीं देख पाते <laughs> देखिए उनका कितना सोवा गया। तो मैं उस समय प्राय सो जाता जब देर रात गए तक स्वामी जी जाग जागते थे मैंने भागवतम लिखने के लिए क्योंकि वे अपने अनुवाद कार्य में लगे रात को काफ़ी देर तक जागते रहते थे संभवतः उसी समय उनके साथ गहरा संबंध होने के कारण मेरे अंदर कृष्ण चेतना और सपनों के प्रादुर्भाव होता था उन्हें प्रभुवाद के संबंध से बता रहे हैं यह मेरी संस्कृत अध्ययन के कारण भी था वो एक्चुअली संस्कृत स्कॉलर थे डेविड जो थे संस्कृत भाषा को समझते थे जिस तरह प्रभुपात शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते थे उसमें कितना सशक्त मैंने शक्ति के रहस्यात्मिक गुण प्रतीत होता था तो इनको भी संस्कृत आता था तो ये भी प्रभुपात का जो ट्रांसलेशन संस्कृत से जो करते थे इनको भी थोड़ा समझ में आता था डेविड को प्रभुपात प्रभुपात का आ, अपटाउन अपटाउन का पुराना मित्र रॉबर्ट नेल्सन बावर में उनके पास आता रहा डेविड के साथ प्रभुपाद के मित्रता के संबंध में वह प्रभावित था मैंने प्रभुपाद डेविड का जो संगति से जो परिवर्तन आ रहा था डेविड में तो ये उसको किसको रॉबर्ट नेल्सन वो बहुत प्रभावित हुए उससे उसने पाया कि स्वामी जी से डेविड बहुत सारी बातें सीख रहा है रबर्ट ने भारतीय हारमोनियम एक जैसा ये इंडियन हारमोनियम रहता है किसका अमेरिका में बना हाथ से बन बनने वाला एक वाद्य यंत्र खरीद खरीदा और प्रभुपाद के साथ ही कीर्तन करने के लिए उसने उसे डेविड को भेंट कर दिया यानी कि एक हारमोनियम अमेरिकन स्टाइल से खरीद के डेविड को गिफ्ट दे दिया उन्होंने ये कीर्तन के लिए तुम प्रभुपाद के कीर्तन में तुम बजाओ तो रॉबर्ट प्रतिदिन सवेरे सात बजे आ जाता और भागवत की कक्षा के बाद वह रिकॉर्ड बनाने और पुस्तकें बेचने के विषय में अपने विचार को लेकर प्रभुपाद से अनौपचारिक रूप में बात करता था मैंने वो कैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे और उनका जो रिकॉर्डिंग करना है जो वॉइस रिकॉर्डिंग प्रभुपात जो आप आजकल हम सुन रहे हैं तो उसके बारे में वो जिज्ञासा किया वह स्वामी जी को बराबर सहायता देने रह देते रहता रहना चाहता था मतलब मैं आपको कुछ मदद करना चाहता हूँ दोनों सामने की खिड़की से खिड़की के पास कुर्सियों में बैठ जाते प्रभुपात घंटों घंटों कृष्ण और महाप्रभु चैतन्य के विषय में चर्चा कर कर रहे थे और रबट सुना करता तो यही प्रभुपाद जी ने क्या करते थे कृष्ण कथा और चैतन्य महाप्रभु के गौर कथा हाँ जो गौरांगर मधुर लीला तो इतने प्रभुपाद शुद्ध जो भक्त के मुख से जब सुने तो ये भी धीरे धीरे दोनों में चेतना में परिवर्तन आया बाबरी में प्रभुपाद से मिलने के लिए नए लोग का आना शुरू हो गया ब्रैक्स ब्रैक्स का तीस वर्षीय अश्वेत अश्वेत मतलब श्वेत मतलब जो सफेद रंग का रहता है अश्वेत मतलब काला ब्लैक ब्लैक को अश्वेत बोलते हैं तो उसका तीस साल का उम्र था तो कार्ल आ, उनका नाम था इयरजेंस कार्ल इयरजेंस करके एक व्यक्ति था जो बैक्स यूनिवर्सिटी मैंने एक, एक स्थान का नाम बा, ब्रैक्स तो ये तीस साल का था और लेकिन ये कलर ब्लैक था कार्लेन विश्वविद्यालय में पढ़ चुका था और अब स्वतंत्र रूप से भारतीय धर्म और जैन बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा था ये सब रिसर्च कर रहा था सब फिर मनोगति साधन के रूप में उसने नशेली दवाओं को प्रयोग किया था और भारतीय संगीत और काव्यों में उसे रुचि था माने इंडियन म्यूजिक और इंडियन जो जो है रचना काव्य मतलब पोइट्स पोएम पोें, पोएम्स जो रहते हैं तो अपने मित्रों में उसका बड़ा प्रभाव था और ध्यान में उनकी रुचि जा हाँ और ध्यान में उनकी रुचि जगाने का उसने प्रयत्न किया था संस्कृत पढ़ने में भी उसने थोड़ी बहुत रुचि का प्रदर्शन किया था तो ये प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं ए, ये इसके बारे में बताते हैं कार्ल के बारे में तो प्रभु एक मिनट टाइम है तो यहाँ समाप्त करें तो पेन नहीं पेन <laughs> तो इस प्रकार हम आज के इस लीलामत में आप लोग तो कुछ कमेंट देंगे माधव प्रभु श्री माधव प्रभु <laughs> थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा पढ़ रहा था लेकिन मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इससे हम क्या देखते हैं कि प्रभुपाद जी का एक साधु का संग से कैसा जो तमोगुणी व्यक्ति प्रभावित होकर वो भी कृष्णा चेतना में आ गए और वो कैसा अपना बारे में बताते हैं कि तो इसलिए साधु संग इतना इम्पोर्टेंट है साधु संगम अर्थात साधु भगवान के कथा का श्रवण और भी कहीं पर बताते हैं जो गुरु की सेवा वैष्णव सेवा में ये भी सबसे प्रभावशाली है वैष्णव की सेवा इससे ही सारे चीज़ आता है श्यान महत् सेवाया जो है आता है ना हमारे जो भागवत में पहला स्कंद में तो महत् सेवा से ये सारी चीज़ होती है तो इसलिए जो नया भक्त आते हैं हमें भी कभी कभी मौका मिले तो वैष्णव का सेवा करना चाहिए तो इससे पहले पहचाने वैष्णव कौन है <laughs> कई बार लोग जानते नहीं तो ऐसा भावुक बनकर ये कर लेते हैं ठीक है वो भी अच्छा है इसमें कोई ये नहीं है लेकिन सेवा भाव से ही बहुत कुछ ये होता है तो प्रभूपा जी ने इनको इनडायरेक्टली अपने सेवा में लगा दिए है कि नहीं तो सेवा करते 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 धीरे धीरे उनका चेतना परिवर्तन है जय श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत की शील प्रभुपाद की उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव भक्त बुंद की है गौर सीतानाथ नाथ प्रेमानंदे हरि बोल